जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको कद्दू का रायता बनाना बताऊंगी। इतना टेस्टी कि आप इसे गर्मियों में बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए आप इस तरह से बनाएं और ऊपर से छोंक लगाएंगे तो और भी टेस्टी बन जाएगा। देखिए ये बनकर तैयार है। मैंने इसमें एक से सवा बाउल कद्दू लिया है, उसे बारीक बारीक काट लिया है। मुझे पुराने बर्तन का बहुत शौक़ है। मैंने ये डेगची ली है, उसमें मैंने ये कद्दू डाल दिया है और अब एक बाउल पानी डालने के बाद अब इसे हम गैस पर रखेंगे और ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट इसे उबालना है। ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब हम इसे चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैश हो रहा है, मतलब कि ये पक गया है। इस तरह से हमने इसे छन्नी में डाल दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए और पानी इसका सारा निकल जाए। पानी निकलने के बाद मैंने इसे एक बाउल में लिया है। बाउल में लेने के बाद मैंने इस मिक्सर से मैश कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे मैश करना है। ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे एक बाउल। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने एक बाउल डाला है। अब इसमें मैंने ये रायता मसाला बना रखा है। इसमें जीरा, राई, धनिया सभी डाल रखे हैं मैंने। हींग, इसकी मैंने रेसिपी भी डाल रखी है मेरे चैनल पर। देखिए आप, मुझे पुदीना सूखा ही अच्छा लगता है, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। छौंक लगाने के लिए मैंने तेल रखा है, उसमें राई डाली है। राई डालने के बाद अब मैंने तिल डाले हैं। इस रायते में तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप ज़रूर डालें अगर आपके पास तिल हो तो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है तिल डालने से। तिल तड़कने के बाद मैंने एक हरी मिर्ची के 4-5 टुकड़े करके डाले हैं और इसे अच्छे से पका कर हम रायते के ऊपर डालेंगे। इस तरह से हमें रायते के ऊपर फैलाना है और अब इसे अच्छे से मिला देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। देखिए आप इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस रायते को किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूरी, चपाती, चावल किसी के भी साथ खाएं।